हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमरजीत और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपको एलाइनमेंट्स एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसमें रजिस्टर करना है और कैसे इस पर अपना प्रोफाइल बनाना है। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात जान लेना है, ये जो एलाइनमेंट्स एप्लीकेशन है इसे पूरे तरीके से इंडिया में ही बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले। तो चलिए हम लोग जानते हैं एलाइनमेंट्स एप्लीकेशन के बारे में। तो एलाइनमेंट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग जैसे सर्च करेंगे एलाइनमेंट्स, तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना और कैसे इसमें अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपसे जो है इस ऐप का लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आप लोग जिस लैंग्वेज में इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं उस लैंग्वेज यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपके सामने जो है कंट्री और मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग जिस भी कंट्री से है तो यहाँ से आपको अपने कंट्री को सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपने जो है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ से आपको जो है इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब अभी आपके फ़ोन पर एक 4 डिजिट का OTP आएगा। तो आपको जो है उस 4 डिजिट के OTP को यहाँ पर एंटर करना है। तो OTP को एंटर करने के बाद यहाँ से आपको जो है वापस से इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल फ़ोटो का। तो यहाँ से आपको अपने प्रोफाइल फ़ोटो को यहाँ पर सेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर लेना है और यहाँ से जो है आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। तो यहाँ से आपको 3 काम करना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपका जो है इस एप्लीकेशन में जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो रजिस्टर्ड करने के बाद आपको सबसे पहले होम पेज पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। इसके बाद सबसे बॉटम में एक ऑप्शन मिलेगा हब का। तो आप लोग जैसे ही इस हब में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे न्यूज़ और आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी अलग अलग तरह के कैटेगरी के न्यूज़ पढ़ने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बॉलीवुड, हेल्थ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस टाइप के आपको यहाँ पर आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस एप्लीकेशन में न्यूज़ और आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको जो दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा वो है सोशल का। तो इस सोशल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट पोस्ट का। तो यहाँ पर आप लोग जैसे इस प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे तो अब आपके सामने जो है पोस्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है जिस तरह फेसबुक में पोस्ट लिखते हैं यहाँ पर आप लोग इस अलाइनमेंट एप्लीकेशन में पोस्ट लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है अपने पोस्ट के बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग अच्छे अच्छे पोस्ट लिख सकते हैं और उस पोस्ट को पब्लिश भी कर सकते हैं। इसके बाद मिलेगा डिस्कवर का। तो दोस्तों डिस्कवर वाले सेक्शन में दोस्तों आपने जितने भी यूज़र को फॉलो किया या फिर जितने भी बड़े बड़े यूज़र जिन्होंने एलाइनमेंट एप्लीकेशन को ज्वाइन किया उनका दोस्तों पोस्ट यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो है चैट्स का। तो यहाँ पर आप लोग जितने भी चैट्स या फिर मैसेजेस करेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैंने किसी से कोई चैट्स नहीं किया या फिर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसके बाद आप लोग जैसे इस प्लस आइकन पर टैप करेंगे तो प्लस आइकन पर टैप करने के बाद आपके जितने भी फ़ोन कॉन्टैक्ट में लोग हैं जिन्होंने एलाइनमेंट एप्लीकेशन को ज्वाइन किया हुआ है उनका यहाँ पर प्रोफाइल शो होगा। तो आप लोग सिंपली उनसे यहाँ पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं और यहाँ से उनसे बात अपना कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोग व्हाट्सएप पर करते हैं या फिर मैसेंजर में करते हैं वो काम आप लोग इस एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन मिलेगा अलर्ट्स का। तो इस अलर्ट्स वाला ऑप्शन दोस्तों आपके जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है सेटिंग्स का। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और भी ऐप का लैंग्वेज वगैरह सारा को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ऑप्शन मिलेगा लॉग आउट का।
यहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन में लॉग आउट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो ये एप्लीकेशन अभी काफ़ी अच्छा खासा वर्क कर रहा है, और चूँकि ये एप्लीकेशन दोस्तों कुछ समय पहले लॉन्च हुआ है तो हो सके दोस्तों यूज़र को दोस्तों इसमें लॉगिन या फिर साइनअप करने में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस ऐप के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।